सबसे पहले मैं इन एक्सरसाइजों से शुरुआत करती हूँ। सर्वाइकल की होती है या ये कंधे की होती है, जिसका कंधा फ्रीज होता है, जैसे मेरे कंधे में दर्द हो जाता है उसकी करती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग इन्हीं से कराया करूँ, फिर सर्वाइकल की करती हूँ, फिर दूसरी एक्सरसाइज चलाया करें। आज काफ़ी दिनों के बाद करा सूर्य नमस्कार, 25 सूर्य नमस्कार करें, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। फिर कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, पर मैंने 25 ही करे तो इसलिए फिर मैंने और एक्स्ट्रा भी एक्सरसाइज करी। क्यों, एक बार जब तक नहीं करने लगते तब तक ही होता है, फिर करने लग जाए तो फिर तो यूँ होता है, कर ही लेते हैं। तो जब तक कंबल से नींद नहीं निकलते तब तक ही प्रॉब्लम होती है। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने एसजी ब्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए ब्लॉग्स में। जी राम राम। सुबह सुबह इतना कंबल नहीं छूटता ना, इतना तो थोड़ा हड्डा ख्याल लगा एकदम कंबल छोड़ते हुए, पर एक बार करने लग जाए ना फिर मजा आने लग जाता है, फिर सुनने को दिल नहीं करता, पसीना आया हुआ है वो तो मजबूरी हो जाए है ना। फिर लेडीज के ना घर के काम इतने हो जाए, अब मशीन लगानी है जाते 7 बज गए ना, कपड़े बहुत जाए। गर्मियों में तो यूं कह देते हैं पसीने आवे इसलिए कपड़े, पर गर्मियों में इतने होते नहीं, क्यों एक के दो हुए हर वो पतले हुए हर, अब तो सारे मोटे मोटे और इतने निकाल निकाल के यूं घेरते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाते हो मशीन और इतना कपड़ा धोया जावा है, क्यों एक एक आदमी चाहे 4-5 कपड़े निकाल के घेरा है तो एक के दिन में बैग बैग भर जावा है वो तो। अब जाते हैं मशीन लगाऊ, पहले एक दो काम निपटाऊंगी ताकि पसीने सूख जाऊं, किचन में जाकर ना फिर बाहर निकलूंगी, फिर मशीन लगाऊंगी, क्यों पसीने आए हुए हैं ज्यादा। रखते हैं अपने स्वेटर स्वेटर चलते हैं। कमेंट आ लिए थे कौन सी चाय पीते हो सुबह, कौन सी है नहीं पीती, मैं तो ना कुछ भी पी लिया करूँ, तभी मेरे ये गैस एसिडिटी वगैरह ये चीज़ें नहीं बनती ना। एक टाइम ऐसा था कि ऐसी बनती थी एसिड वगैरह ना। पानी जैसे मैंने ले लिया है 1 कप, इसमें थोड़ी ही अजवाइन डाल दूँगी, 1 चम्मच छोटा डाला जीरा, फिर डाली सौंफ और 2 डाली मैंने हरी इलायची। अब इसको पानी को बॉईल कर लूँगी अच्छे से, जब अच्छी तरह पक जाएगी ये फिर इसमें छान कर और पी लूँगी, छानने के बाद भी दिखाऊँगी। ये सुबह को है ना अगर थोड़ी ही ठंड है तो ठंड में मन करता है कुछ गर्म गर्म हो पीने को, तो वो पी लेती हूँ मैं। अभी ठंड में पीने लगी ना, पहले तो नहीं पीती थी, अब ज़्यादा ठंड होगी ना काम करते हुए जैसे कुछ गर्म पीने को मन करता है तो इस तरह पीती हूँ। ये बन गई है मेरी चाय, मसाला चाय जो सुबह में पीती हूँ, अब इसको छान लूँ। ये चाय पीती हूँ। वेलकम बैक फिर से। टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हो रहे हैं, साथ में कपड़े चले हुए हैं तो सब्जी बना दी है। सब्जी में आज बने हैं काले चने मांग रहा था मुझे यही चीज चले है, मैं यूँ घूमती बेटा साग वगैरह खा ले, जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती तो ना छोले भी नहीं मिलते, आप जिसे चने भी नहीं मिलते वहाँ चने भी, फिर रोज़ का इसका यूँ ही चल रहा है, छोले राजमा चने तो रहता अपना बना दिया है और अपने लिए थोड़ा ओट्स का आटा कर लिया, मिक्सी में पीस लिया है और थोड़ी ही गोभी कर ली है मैंने अपनी, मैं अपना ओट्स का बनाऊंगी ना गोभी डाल कर ना। और एक बार अब कपड़े देखती हूँ धोके होंगे तो मशीन चला के आ रही हूँ तो साथ ही साथ कपड़े करके ना फिर पहले टिफ़िन पर लगती हूँ, पहले टिफ़िन पैक करूँ, टाइम कितना कर रहा है। ठंड में रास्ता सुखाने बहुत मुश्किल होएंगे, बिल्कुल यूँ धुंध बरसने लग रही है, बारिश की तरह आने लग रही है, यूँ टपकन लग रही है बिल्कुल ही। देखती हूँ कुछ थोड़ी देर में सुखा के होंगे, अभी तो 9 बजे हैं, निकाल कर रख लूँगी, 10-1 बजे भी तार पर डाल दूँगी ना, पर दिखता नहीं आज खुलेगा, 12-1 बजे भी थोड़ा धुंध कम हो जाए ना फिर तो अंदर डाले जाते हैं, थोड़ी ही हवा ही क्रॉस हो जाए, क्यों मोटे कपड़े होते हैं सारी स्वेट शर्ट और मोटे ही पजामे हो। ओट्स का परांठा गोभी और प्याज डाल के और साथ में है बथुए का रायता, टाइम हो रहा 10 बज रहे, 10 बजे ब्रेकफास्ट होगा गई, कपड़े धो के आई हूँ 8 बजे, टाइम हो रहा 10:30 होने वाले हैं, सुखा तो दिए ना, मैंने सोचा मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी थोड़ी बहुत कम होएगी, पर कम होने का कोई नाम नहीं है। हाँ पर वो है वो जो परेशानी थी वो हट गई, अब तो सूखी सूखी ही गिर रही थी, पहले तो बिल्कुल यूँ हो रहा था ना जैसे बारिश आने लग रही है तो कपड़े ज़्यादा ही हो जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन धो है फिर भी दोनों तार भरे पड़े हैं, यूँ थोड़ी ही हवा दिन में लग लेगी ना फिर अंदर डाले जाएंगे, फिर रात को अंदर हो जाते हैं।
तो ललिता भी आई हुई है, चलो फटाफट से सारे काम पड़े हैं, बाथरूम बूथरूम पड़े हैं और किचन भी सारी संगवानी, साफ करनी, सेल्फ करो। आज तो इंडवा करके ले रही थी, बहुत भारी हो रहा था तसला। टाइम हो गया, डेट से ऊपर ही हो रहा है। अपनी स्मूदी लाई हूँ बना के, क्यों सुबह ओट्स वाला परांठा खा लिया, 10 बजे ही खाया था, फिर वो भूख नहीं लगती। और बच्चों ने वैसे भी मैं काम लगाई हुई हूँ, बेटे ने तो इसको भविष्य है जितना खाया जाए। गाजर पाक निकालने लग रही हूँ, गाजर पाक पर लगाई हुई हूँ, उस दिन निकाला था वो ख़त्म कर दिया 2-3 दिन के अंदर। इसके दोस्त वगैरह आ गए तो ख़त्म हो गया, अब दोबारा फिर निकालो, मैं लेके नहीं जाऊँगा, लड्डू लड्डू लेके जाऊँगा, गाजर पाक यही खा लूँगा। जो फिर इसका वेट भी ज़्यादा हुआ है, इसकी बुक्स इतनी मंगवाई हुई है यहाँ से, फोटो स्टेट करवा कर ना, एक एक बुक्स 2-2, 3-3 किलो की बनी हुई है, इसकी कॉपियाँ प्रिंट आउट निकलवा रखे हैं, तो वेट भी इसका ज़्यादा ही हो जाएगा। कह रहा यही निकाल दो तो मैं यही खा लूँगा 2-3 दिन, लड्डू ही ले जाऊँगा। और तो मैं अपनी पाइन एप्पल और कीवी की, जो थक भी जाता है ना आदमी, खड़ा खड़ा वहाँ पर गैस के पास। और सुबह से मैं फिर उठी हुई हूँ, तो सुबह से लगी हुई हूँ नॉन स्टॉप ना, मैं रुकी नहीं हूँ, 1 मिनट भी हूँ बैठी नहीं, बस अब आई हूँ मैं बैठने के लिए। जब तक वहाँ ना खड़ा, पहले वो दूध लगता है, फिर अब बाद में वो लगने लग जाता है, पर अभी लगने वाला नहीं है, रह रहा है लगने वाला काम, तो ज़्यादा देर ना ही लावे तो लग ही जाता है, फिर भी खड़ा तो वहीं रहना पड़ेगा। और एक कुरियर आया हुआ है बेटे का ही, चॉपर है इलेक्ट्रिक मेरे पास, मैं यूज़ करती हूँ उसी जैसा, दूसरी कंपनी का मंगवाया है। मेरा भी रफ एंड टफ है, ये भी रफ एंड टफ है। तो यह कहता है ना कि वहाँ सब्ज़ियाँ मैं अपनी पसंद की खा नहीं सकता, जैसे पास्ता वो चीज़ें बनाता हूँ ना मैं, फिर मेरे को सिंपल ही खाने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ मैं बनाऊँ ना, सब्ज़ी मेरे को कटनी नहीं आती, मैं चलते रहे अरेंजमेंट करती हूँ। तो चॉपर ले आए, चलो इसकी ओपनिंग करके भी दिखाऊँगी, एक बार निकाल के दिखाती हूँ, पहले मैं अपना वो संभाला। सुबह लगी थी, 2:15 हो गए ना, पर बच्चे की डिमांड पूरी भी करनी पड़ेगी, सोचा 2-4 दिन के लिए आया है तो चलो दोबारा फिर बना देते हैं। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही बना दिया मैंने, 2-3 दिन अपना खा लेगा, बस बन ही गया, बंद ही कर दिया। एक वो चॉपर आया था, ऐसा काम करें पैकिंग में ना, ऊपर ऊपर का भेज दिया, नीचे वाला जार नहीं भेजा, अब वो कैंसिल कराया है, परसों उसको लेने आएगा और फिर वो दोबारा उसके ही एड्रेस पे जाएगा, बेटे वाले एड्रेस का ही भर दिया, तो यहाँ से उठा लेंगे और उसके एड्रेस पे फिर भेज देंगे। पैकिंग करते हुए यूं भी नहीं देखते ना हम क्या भेज रहे हैं क्या नहीं, पर हाथ दुखने लग जाते हैं। आप बाजू डाल रही हूँ अंदर, इतनी ठंड नहीं लगती, काम करते हुए नहीं ठंड लगती है, तो ठंडी बैठते हैं ना, जब ठंड लगा एक बार थोड़ा सा काम करके आती हूँ ऊपर का, जो कह के गए थे वो देख के आते हैं, क्यों बारिश बुरिश हो जाए, रोन न्यू ईयर को होया करे ना, तो थोड़ा कह के आए, जब टाइम हो अपना जब भी छत पर जाए तो ये काम कर देना, तो उस दिन वाला जो तेरा टाइम है तो उसमें ये कराना। तो अब देख के आती हूँ क्या क्या मेरी जिम्मेवारी है। ला के गए थे 2-3 दिन काम, डेली का यही होता है ना, 1-2 काम जरूर डेली सौंप कर जाएगा ना, ये करना ये जरूरी है, ये जरूर करती है, तो चलो अब देख। फिर ये दोपहर का टाइम है 2:30 बजे का, तो फिर छत पर चली गई थी, छत का काफ़ी काम था, तो पालक मैंने काट ली थी, उसमें फिर वर्मी कंपोस्ट लगी थी देने, वर्मी कंपोस्ट डाल कर ना, और फिर उसमें पानी देना चाहिए, चाहे पालक काटो और चाहे धनिया काटो, कोई भी कटिंग करो तो वर्मी कंपोस्ट जरूर देना चाहिए और फिर पानी दो, ताकि वो जल्दी ग्रो करे। और इस तरह कई बार ग्रो कर जाता है पालक हुआ या धनिया। सफाई कर देना यहाँ वाला कह के जा रहे थे, तो जो था उठा उठा कर मैं फेंक दिया, थोड़ा हजारों निकाल दिया इधर को, ये साफ हो गया। तो अब इसमें तो जो ज़रूरत की होगी मिट्टी है, वैसे इनमें और कुछ नहीं है, मिट्टी भरी हुई है, जो जो यूँ लगेगी ना ये मिट्टी ठीक है, खाद मिलाई हुई है, वो रखेंगे और सारी कोई फेंकेंगे फिर इसको ना। यहाँ फालतू में ये रखा हुआ 2 इकट्ठे रह गए, अब तो 2-2.5 रह रहे हैं, एक में तो पत्ते मिक्स हैं, एक में वैसे हैं, तो थोड़ी ही छत रह गई या फिर करूँगी, उधर वाला एरिया रह रहा है, जो इधर इधर वाला ही पोर्शन होया आज तो ना, जितना भी है ये इधर वाला ही। और अपनी पालक काट ली और कपड़े सारे पलट दिए, अब थोड़ा सा चमकारा हा निकला है ना, क्या फ़ायदा है 1 घंटा और मुश्किल, तो 3:30 तो हो ही रहे हैं, 4:30 तक, 4:30 बजे ही तो दिन हाथ छपने लग जावा है, अब थोड़ी ही देर जा कर ना और रेस्ट करती हूँ। सैर करने जाऊँ उससे पहले अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, कपड़े आज उतार कर नर्सिटी हो में डाल के आई, सूखे नहीं बिल्कुल, धूप भी नहीं निकली और सारे मोटे मोटे थे, सारे कुछ ऊपर पेड़िया में डाले और कुछ अंदर डाले, चेयर कर करके ना ऊपर वाले में, तो कुर्सियाँ पर फैला के आई हूँ। और अपने लिए बॉइल करती है टमाटर, टमाटो सूप बनाऊँगी, और अभी बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं कि ऑफिस में से अभी तक आए नहीं है तो लेट हो रहे हैं, तो मैं सोचा करूँ ना फिर सारे इकट्ठे ही हो जाए बर्तन, टिफिन टिफिन आएगा ऑफिस वाला ना, तो कई बर्तन हो जाए, अभी इतना होता नहीं,
ना तो फिर एक टिफिन पड़ा रह जाए फिर उसमें यूं रहता अकेला, फिर लगो करने तो इंतजार में हूँ मैं, आ जाएंगे तो तभी इकट्ठे ही कर दूंगी बर्तन। फिर ठंड में मुश्किल होती है ना बार बार ठंडे पानी में हाथ धोना, और 2 दिन से तो मैं अपनी माँ का भी बंद कर रही हूँ पार्क में जाना, क्यों कल फिर उसके पता नहीं क्या हो गया था, उससे कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैं यूं घूमने माँ का देव जाडे कर दे नहीं बूढ़ा ज्यादा लुट गया करे ना ठंड में, तो मैं चुपचाप पर बुझ के नहर बैठी रहो अपने रजाई में ना। एक बार तो कहती जब 3 बजे चमका रहा लगा थोड़ी ही बार जाया हूँ मैं, वो जब भी फिर से ले गया तो मैं क्या करेगी, हमने रजाई में बैठी रहो, तो हमने रजाई में बैठी है बैठे मैं रुक जाए अभी 10-15 दिन फिर देखिए, जब जिस दिन धूप निकलो उसी दिन चाहिए। और इसी के साथ फिर मैं ब्लॉग की भी एंडिंग कर देती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।